कदियतु मंगलदाता भक्त जीता मना पूरिता सुखकर्ता दुखहर्ता बप्पा विनायका तेज जवंदन पार्वती नंदन बप्पा विनायका सर्वजनार्थ प्रिय दैवत बप्पा विनायका महाद्वारय नगरी सातो राजा विनायका राजा विनायका। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में गणपति बप्पा मोरिया एक बार फिर से। तो यहाँ पे इसमें मैं पूरा दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या हमने दिन भर किया। तो बप्पा जी के आने के बाद उनका मुख दर्शन होने के बाद हमने सबसे पहले उनकी पूजा की, एक एक करके सबने पूजा किया, उसके बाद आरती किया और आरती करने के बाद फिर भोग प्रसाद, बस कुछ ऐसा ही हमारा ये दिन बीता। तो बस बने रहिए वीडियो में और अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट व्लॉग हो ही चुका है और एंड तक देखिए। बेचारे सुकल से लगे हुए हैं, बिल्कुल बहुत ही मजा आया पप्पा को घर लाके। पप्पा को वो मूर्ति बहुत सुंदर है ना, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साक्षात गणपति जी जो है विराजमान है, इसलिए हम लोग वो वाला कॉर्नर चूज करते हैं। यहाँ सोफे पे जो भी बैठे रहेंगे लगेगा कि हाँ कोई है घर में। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग कल से गणपति पप्पा जी को लाने के लिए। फाइनली आ गए हम लोग, रात भर जग के 2 बजे तक जो है सब तैयारी किए हैं। अद्दू भी बहुत एंजॉय किया है। अद्दू को देखिए, अद्दू को तो आज भूख प्यास कुछ नहीं लगा है, देखिए आराम से खेल रहा है, पूरे घर में धुआं धुआं बैठा बड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे पूजा हो गया, पूजा आरती सब हो गया। अब मैं किचन में आ गई हूँ बप्पा के भोग बनाने के लिए। तो ये देखिए चना है, आज चने की सब्जी बनेगी, बाकी सब कुछ बन चुका है, ये सब्जी रह गया है तो वो मैं जल्दी से छौंकती हूँ और पूड़ी बनाना है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग 11 दिन जो है वो प्याज लहसुन कुछ नहीं खाएंगे, सादा सादा खाना बनेगा, हम लोग भी नहीं खाएंगे फटाफट। तो अब जा रहे हैं हम लोग नीचे दर्शन करने के लिए। तो हमारे अपार्टमेंट के नीचे भी गणपति जी सजते हैं, सोसाइटी के नीचे। तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी है, बस हम तो सोचे कि चलो घर की पूजा हो गई है अब वहाँ चलते हैं, नीचे दर्शन कर लेते हैं, चलते हैं। सब्जी का मैंने लो जो है वो फ्लेम जो है वो बंद कर दिया है, आके फिर देखूंगी। गणपति बप्पा हो। मौसी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे अब नीचे भी सजा। प्रतिमा तो ये है हमारे सोसाइटी के पप्पा जी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारे आलू चना की सब्जी जो है वो बन के तैयार है, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ेगा 11 दिन तक। तो बिल्कुल सादी सादी सब्ज़ी, उसके बाद पूड़ी और आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी और चावल, और यही थे खाने में। तो बस सबसे पहले हम पप्पा का भोग लगा लेंगे। इन सब कामों में थोड़ा सा देर हो ही जाता है, पहला दिन था, नीचे भी जाना था तो थोड़ा लेट हो गया था, 12 बज गया था, 12:01 के लमसम हो रहा था।
तो बस अब पापा जी को भोग लगा देते हैं और उसके बाद हम सब खाएंगे प्रसाद। पापा जो है इनको खिला रहे हैं। छो ना, वो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है। खाने में आज क्या बना है, दाल, ये सब्जी, जो भोग मुझे पूरी सब्जी था वही मैंने दे दिया है सबको। ये देखिए, तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम करने गए, रेस्ट करने गए और अब बस शाम के 5 बजे हम लोग फिर से पूजा आरती में लग गए। परिक्रमा के लखीन कहें कि हमारे सबटा संसार अहीं छी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो ये 3 दीपक, एक पप्पा जी के पास, एक तुलसी जी के लिए और एक भगवान यहाँ पे जला लेते हैं। जल्दी से आरती हम बाद में करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हो गया है शाम की पूजा का टाइम, आरती का टाइम। शाम तो मैंने शाम को दिखा लिया था लेकिन अब आरती करेंगे। और अभी मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने दोपहर में साड़ी मतलब बदल के मैंने ये पहन लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे आदत नहीं है ना, तो अभी मैं ऐसे ही हूँ। शाम को हम जाएंगे, अभी थोड़े दिनों में हम नीचे जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो फिर देखते हैं। तो बस इसलिए मैं जैसी हूँ वैसे ही पूजा कर ले रही हूँ, हाथ में धो लिया है। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए हमारी आरती में, स्टार्ट करते हैं शाम की आरती का। शाम की आरती तो ये आप सभी को भी आरती आप ले लीजिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को आरती। हम लोग रेडी हो चुके हैं नीचे जाने के लिए, यहाँ घर की पूजा हो चुकी है, अब नीचे जाएंगे सोसाइटी के नीचे जो भगवान बैठे हुए हैं वहां जाते हैं। मे भी शायद आज ही विसर्जन हो जाएगा, तो बस सारा काम भी हो चुका है तो चलते हैं। कम ऑन, अद्दू को देखिए मौसी ने तैयार कर दिया है, ये है और ये मौसी जी हैं और यहाँ पे हमारे पप्पा जी, देखिए कितना धुआं धुआं भर गया है। जय हो पप्पा। आ रहे पप्पा जी हम लोग थोड़ी देर में। अद्दू चलो, लेट्स गो अद्दू, चलिए चलिए चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट के नीचे जो गणपति पप्पा बैठे थे उनका विसर्जन सेम डे पे ही था, तो वही ये शुभम जी भी इसमें सम्मिलित हुए विसर्जन में। हम सब लोग नीचे गए थे, सारी सोसाइटी के सब लोग हैं, पहले पूजा हुआ, प्रसाद हुआ और अभी लास्ट में विसर्जन। तो हमारे सोसाइटी के पप्पा जी का विसर्जन हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि हमारे पप्पा जी का विसर्जन हो रहा है। तो बस अभी यहाँ पर विसर्जन तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे से आ चुके हैं, अब टाइम है पप्पा के भोग लगाने का। तो यहाँ पे मैंने पप्पा जी के लिए ये देखिए भोग निकाल लिया है, देते हैं। यहाँ पे अद्दू का दलिया है तो वो दलिया खाएगा, पप्पा जी के लिए भोग है।
तो बस फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। वीडियो अगर आज का पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।